सुधांशु जी ने अपनी बात समाप्त की ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो एफिडेविट था हालांकि राम मंदिर को लेकर नहीं राम सेतु को लेकर था कि राम जी काल्पनिक है यही बात महेश शर्मा जी ने द हाउस पे कही जब माननीय मोदी जी पार्लियामेंट में बैठे थे महेश शर्मा जी पे एक एक एक्शन तो हुआ नहीं आज तक माँ सीता के मंदिर का जो निर्माण का काम है केंद्र सरकार ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है बिहार के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया बिहार में इनकी सरकार भी थी माँ सीता को काल्पनिक बनाने वाले आज कांग्रेस पे आरोप लगाते कह मैं इस तू तू मैं मैं नहीं गिरना चाहता हूँ इनकी क्या मजबूरी है कि आज भी संजय निषाद के साथ ये गठबंधन में जिन्होंने राजा राम और भगवान और राजा दर्शद को भगवान राम और राजा दर्शद को क्या क्या उन्होंने कहा मैं उसमें भी नहीं चाहता तो ये विवाद का विषय नहीं दो सवालों के माननीय जी जवाब एक चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे और शंकराचार्य जी को मैं बड़बैटम कोट कर रहा हूं वे कहते हैं कि ये क्या जरूरत थी कि आप 22 जनवरी को ये मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे जबकि मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है और जो मंदिर का जो, जो जो भी मंदिर में होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं ये शास्त्रों के हिसाब से होते निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या जरूरी है आपको ये करना ये शंकराचार्य जी पूछे क्या शंकराचार्य जी चारों शंकराचार्य अभी अस्सी फीसद भारतीयों के विरुद्ध है ये बात तो नहीं है दूसरी बात सुधांशु जी कोई पार्टी में अगर व्यक्ति एक बाईस जनवरी को नहीं जाए मानो वो तो कहते जनवरी 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 को को जाए जाए को जाए तो तो भगवान राम कन कनोशंशन में मौजूद है तो इसमें गलत क्या है आप क्यों चाहते कि बाईस जनवरी को ही आए पर आप इसके पहले ये बताए कि जब शंकर आचार्य कह रहे कि मंदिर का निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है तो क्या जरूरी है तो फिर भाजपा इसमें क्यों कह रही है कि नहीं इस वक्त ही करना है ठीक है सुधांशु का जवाब सुधांशु का जवाब जी सुधांशु सुधांशु

आपकी उम्र हमसे कम है इसलिए शायद आपको न याद हो मगर हमें बचपन का याद है 1987 की बोट क्लब की रैली पर इमाम बुखारी ने एलानिया कहा था कि ए राजीव गांधी सुन लो तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुक कर ही हुकूमत करती रही और आइंदा अगर तुम्हें इस मुल्क पे हुकूमत करनी है तो हमारे आगे झुकना पड़ेगा दिस इज कोटेड इन नाइनटीन बोट क्लब रैली तो यह बात तो पहली बात यह स्पष्ट हो जाती है दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों के सामने समस्या यह है कि हम कभी नहीं क्लेम करते अब स्वामी निश्चिलानंद जी का बयान पूरा बताओ ना मेरे भाई मैं दर्शकों से कहूंगा जाके देख लीजिए उनसे मोदी जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं इस बारे में प्रशंसा करता हूं कि कम से कम वो अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं और जाकर वहां पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा रहे हैं वरना अगर वो सेकुलर के चक्कर में पड़ते तो अयोध्या जाने से भी कतराते अब पूरा वाक्य बोलिए ना ठीक है उन्होंने कुछ टेक्निकलिटी की बात कही है क्योंकि शास्त्रों का जितना उनको होता उतना तो हमको नहीं है जो कह रहे हैं। जी की उन्होंने रूप से तारीफ की है।, तो है ये कहते हुए कि कम से कम उन्होंने ये साहस दिखाया है और जो उन्होंने कहा कि अगर सेकुलर के चक्कर में पढ़ते तो नहीं जाते तो दिख रहे सेकुलर वाले राम से परहेज रखते हैं और इमाम साहब के आगे करते हैं जी जी मैं आसिम वकार आपका रुख करता हूं आपने जो आज मायावती पर बयान दिया जो कि आज की टॉप हेडलाइन में उस विषय पर बाद में आऊंगा अभी इस विषय पर आता हूं क्या आपको लगता है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिला तो न्योता स्वीकार करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था पॉइंट नंबर टू क्या आपको लगता है कि खासतौर पर विपक्षी दल अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को चैलेंज कर रहे हैं दैट्स क्वेश्चन असीम देखिए पहला सवाल आपने पूछा कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए यह जाति मामला है यह फैसला हर इंसान को खुद करने दीजिए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा मैं किसी को मशवरा देने वाला नहीं होता हूं कोई भी दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी जितनी देर से ये लोग पूछ रहे हैं शंकराचार्य पे बोलिए शंकराचार्य पे बोलिए सुधांशु त्रिवेदी जी किसी बात पे बोलने पर तैयार नहीं है और तीसरी बात विपक्ष जो बड़े मुद्दे हैं उनको मुद्दा ही नहीं बना पा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बनाती है उस तरह से बहुत बड़े बड़े मुद्दों को भी विपक्ष बोना ही नहीं पाया अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं देखिए राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो करेंगे इसमें ना वो हमारे कहने से रुकेंगे ना आपके कहने से रुकेंगे ना किसी शंकराचार्य के कहने से वो करें आप देश को यह तय कर लेने दीजिए कि देश के जो हिंदू हैं वो शंकराचार्य को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं या मोदी जी को मानते हैं भाई ये तो हिंदुओं को तय करना है कि के साथ शंकराचार्य जी के साथ, साथ खड़े हैं या मोदी जी के साथ खड़े हैं धर्म बड़ा या बीजेपी बड़ी ये तो उनको तय कर लेने दीजिए मैं एक जिक्र करना चाह रहा था आपसे जी मैं जो कह रहा हूं ना विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाता या कैश नहीं करा पाता मैं एक डेट बता रहा हूं आपको तेईस दिसंबर सन दो ये बहुत बड़े एक लीडिंग अखबार की मैं खबर पढ़ रहा हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता अगर आप कही तो मैं नाम भी ले लूंगा अखबार का तेईस दिसंबर सन 2022 को एक अखबार में रिपोर्ट छाया हुई वो रिपोर्ट यह थी कि लोकसभा में भारत भारत की लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि राम सेतु के साक्ष्य नहीं मिले उन्होंने कहा कि सैटेलाइट से देखने पर छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि राम सेतु यही है आप समझिएगा बीजेपी सरकार के मिनिस्टर बीजेपी की सरकार के मिनिस्टर अपनी सरकार में लोकसभा में बयान दे रहे हैं और इससे पहले जो एक दौर चला था कि उस पर एक बहुत बड़े फिल्म स्टार साहब हैं उन्होंने नाच कूद कर एक फिल्म बना दी बड़ी फिल्म बना दी अक्षय कुमार जी अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यह खबर क्यों दबाई गई और क्यों नहीं उठाई गई भारतीय जनता पार्टी पहले तो साफ करे कि राम सेतु के सबूत थे या नहीं थे और अगर अभी नहीं थे तो पहले कैसे थे और अगर पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं थे तो बीजेपी ने पहले झूठ बोला था अब झूठ बोल रही है